आज के खुतबे में मैं आपसे सिर्फ एक आयत के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। गालिबन इम्कान यह है कि इस आयत के बारे में जो तमाम दुरूस हैं, जो इसमें तमाम हिकमतें हैं, वो आज कवर ना हो, लेकिन कुछ इब्तदाई बातें इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। इसके पीछे मेरी नीयत यह है, जो अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र सूरह ज़ारियात में किया है, आप याद कराते रहा करें, याद कराने का मोमिनों को फायदा होता है। अल्लाह इस आयत में कहते हैं, उद्रु इला सबीलि रब्बिक, अपने रब की राह की तरफ दावत दो, अपने रब की राह की तरफ दावत दो। इनमें से एक एक लफ्ज की अहमियत है। पहली बात, दावत के लफ्ज को समझ लें। जब आप किसी को दावत पर बुलाते हो, जैसे आप किसी को अपने घर पे बुलाते हो, तो आप उसको घर पे बुला के आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। घर पे बुलाना किसी को इज्जत देना होता है, घर पे बुलाना मेहमान नवाजी होती है, घर पे बुलाना होता है तो जो भी आपके घर आता है उसको ऐसा महसूस होता है कि इनके घर आने के बाद मैं हिफाजत में हूँ, अमन अमान में हूँ, मैं सेफ्टी में हूँ। अंदर जाके मुझ पर कोई चिल्लाएगा नहीं, मुझ पर मुझे कोई गालियाँ नहीं देगा, मेरी कोई तनकीद नहीं करेगा, मेरी पोल नहीं खोलेगा, मेरे ऐब नहीं निकालेगा। यानी जब कहा है ना पुकारो या बुलाओ, दावत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो बुलाने के लिए कोई भी सुने बात। वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसी बात के बारे में बात की जा रही है जो इंसान सुने और वो उसकी तरफ आए, उसकी तरफ उसको आने का दिल चाहे। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि कभी कभी हम दावत के नाम पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दिलों के लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ दावत दे रहे हैं और फिर उसकी खामियां निकालना, तुम ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जहन्नम में जाओगे, ये होगा वो होगा, उसकी एक ही गलती निकाल कर उसको बार बार तनकीद करना और कहते हैं जी हम दावत का काम कर रहे हैं। वो दावत नहीं है, वो कुछ और है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने पहले दर्जे में दावत कहा है वो क्या है, जिससे इंसान का दिल आपकी तरफ मायल हो। उद्रु इला सबीलि रब्बिक, पहली बात। दूसरी बात यह कि दावत का जो काम है उसमें कोई आपके घर आएगा भी क्यों? पहले तो उसको थोड़ा सा, अगर आप पे शक है या आपसे उसको डर लगा हुआ है या वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा या इतने फ्रेंडली मालूम नहीं होते, तो दावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो ऐसा होता है ना कि किसी से दोस्ती होती है, कुछ जान पहचान होती है, कुछ उनको पता चलता है कि आपको उनके बारे में कुछ पता चलता है, उन्हें आपके बारे में कुछ पता चलता है, फिर वो आपको दावत देते हैं। तो इसमें जो ताल्लुकात पैदा करने वाली बात होती है ना, उसका भी जिक्र मौजूद है दावत के अंदर, उद्रु इला सबीलि रब्बिक। इससे मजीद आगे एक और बात अल्लाह ने कही, अपने रब के राह की तरफ, अपने रब की राह की तरफ दावत हो। तो यहाँ राह का लफ्ज बहुत जरूरी है। देखें, एक होती है राह और एक होती है मंजिल, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और कुरान ने अपने अल्फाज, हमारे मुफस्सिरीन ने इसको बहुत खूबसूरती से बयान किया है, ये कुरान अपने अल्फाज तस्वीर के जरिए बयान करता है। यानी जब अल्लाह ताला अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे जहन में एक तस्वीर बनती है, एक सीन बनता है। और उस सीन में आप किसी को दावत दे रहे हो बहुत मोहब्बत से, बहुत दोस्ती से, कि वो आपके साथ एक रस्ते में आपको ज्वाइन करें। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंजिल पे बुला रहे हैं, आप किसी रस्ते पर बुला रहे हैं। और रस्ते पे बुलाने से मुराद ये है कि आप खुद भी नहीं पहुंचे हुए किसी मंजिल पे। अगर मैं किसी को बुला रहा हूं इस तरीके से जैसे मैं तो पहुंच चुका हूं, तुम्हें देर हो रही है पहुंचने में, जो पुकारने वाला है, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, सुनने वालों को ऐसा महसूस हो कि ये समझे तो ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है, बस मैं ही पीछे पड़ा हूं, अब ये मेरे लेवल तक आ जाए तो फिर ये कुछ इनकी कोई हैसियत होगी, तो ये सबील की तरफ दावत देना ना हुआ। जिस रास्ते की तरफ दावत दी जा रही है, वहां तक कि उसके बारे में तो हमारे नबी ने भी कह दिया, उनसे भी कहवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हादिही सबीली, कह दो ये मेरा रास्ता है। यानी वो भी एक रास्ते पर चल रहे हैं और फिर वो साथ साथ औरों को भी पुकार रहे हैं कि तुम भी इस रास्ते को मेरे साथ जोड़ लो। फिर एक और इसमें अहम दर्स इस लफ्ज के अंदर, रास्ते के अंदर, राह के अंदर, वो क्या है कि जैसे रास्ते होते हैं ना, उस पर कुछ लोग बहुत तेजी से जा रहे होते हैं और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं, कुछ बहुत आगे निकल गए होते हैं, कुछ बहुत पीछे होते हैं, कुछ एक एक कदम लग के एक कदम आगे लिया थक गए फिर रुके, कुछ में स्टैमिना ज्यादा होता है वो चलते चले जाते हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई इकट्ठे जा रहे हैं, कोई दो जा रहे हैं, जा तो सारे रहे हैं,
लेकिन एक रफ्तार से नहीं जा रहे, एक स्पीड से नहीं जा रहे, एक साथ नहीं जा रहे, लेकिन है एक ही रास्ते। हो सकता है कोई 50 मील आगे है, कोई 50 मील पीछे है। अब इसको समझने की कोशिश करें कि जब आप किसी को अल्लाह की राह की तरफ पुकार रहे होते हो ना, तो आप अगर आप उस राह पे चलते रहे हो तो आप कहीं तक पहुंच गए हो। जब आप किसी और को बुला रहे हो ना, तो उससे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता कि जहां मैं पहुंच गया हूं वो वहां से शुरू करे। वो जिस जहां खड़ा है उसने वहां से शुरू करनी है बात, वहां से उसने पहला कदम लेना है। और मैं उससे ये तवक्को भी नहीं कर सकता कि वो मेरी स्पीड से चले, तेज तेज चलो, जल्दी जल्दी चलो, तुम इतने आहिस्ता क्यों चल रहे हो, थक कैसे गए, रुक क्यों गए। अगर आपने रास्ते की तरफ बुलाया है और किसी ने फर्ज करने रास्ता भी शुरू भी नहीं किया, सफर अपना शुरू भी नहीं किया, बस उसकी तैयारी कर रहा है या सफर के बारे में सोच रहा है या सफर के लिए कुछ सामान पैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसने सफर में कोई प्रोग्रेस अभी नहीं की, आपको प्रोग्रेस नजर भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस है। आपने दावत दी है सफर की, तो उसने कहा चाचा मैं जरा कुछ तैयारी कर लूँ। ये साहब ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आए कि जब आप किसी को दावत देते हैं ना, तो आपको समझना पड़ता है कि जहां मैं हूं मैं उस पर ये प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो ओवरनाइट एक ही दफा सुना के वो वहां आ जाए जहां मैं खड़ा हूं। आपको कुछ टाइम लगा, फर्ज करें आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अब आपको बेचैनी हुई कि मेरा कोई माँ है उसको बेचैनी हुई, मेरे बच्चे भी अब नमाज पढ़नी शुरू कर दें, मैं इतना अरसा गफलत में रही हूँ, मुझे ख्याल नहीं था नमाज का, अल्लाह ने मेरे दिल में उसका अपना खौफ डाल दिया, अब मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अब मुझे बेचैनी है, मेरे बच्चे भी गफलत में है, तो वो रोज बच्चों को नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, खुदा का खौफ करो, पता नहीं है तुम्हें। वो अब यहाँ पहुंच चुकी है और वो चाहती है बच्चे फौरन वहां पे पहुंच जाए, लेकिन बच्चों के साथ होता क्या है, उसको आप जितना कहोगे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मुसीबत है, अम्मी फिर शुरू हो गई दोबारा, मेरा पीछे नहीं छोड़ती। और फिर ऐसी माएं हजारों की तादाद में मेरे पास आ चुकी है, कहती है मैं अपने बच्चों को कहती रहती हूँ नमाज पढ़ो, वो सुनते ही नहीं है, बच्चे वो उल्टा अनोय हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जिद में आ जाते हैं, वो तो मुझसे भागते हैं, वो समझते हैं मैं जैसे ही वो बोलूंगी मैं उनको दोबारा खुतबा सुनाना शुरू कर दूंगी, तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैं तो कहता हूँ ठीक करते हैं, अल्लाह ताला ने जो बात समझाई है, अगर आपके साथ ऐसा किया जाता तो आप भी कभी नमाज ना पढ़ती। अल्लाह ताला ने एक वक्त पर आकर आपके दिल में कोई चीज डाली है, और वो किसी ने नरमी से बात की होगी तभी डाली है ना, और किसी ने आपके साथ कुछ तहम्मुल से काम किया होगा तभी डाली होगी ना। एक मशहूर हदीस का हवाला याद आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहता है उबायुका अला सलातैन, मैं आपको बैत देने को तैयार हूँ, मुसलमान होने को तैयार हूँ, नमाजें मैंने 2 पढ़ ली है, 5 नहीं पढ़ सकता, मैं 2 पढ़ूंगा, और इस कंडीशन पे इस शर्त पे मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। रिवायत में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उसका इस्लाम कबूल कर लिया कुछ आगे से कहे बगैर, वो खुशी खुशी चला गया। बाकी सारे सहाबा हैरान, ये कहने यार डिस्काउंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, फिर 5 से 2 हो गई नमाजें, पूछा कि ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं जब उसको नमाज की लज्जत आएगी तो खुद ही वो 5 पढ़नी शुरू कर देगा। इसके बारे में अल्लाह खुद कहते हैं तुम एक एक कदम एक एक लेवल पर एक दफा में चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। हर कोई एकदम से इसी तरह 0 to 100 नहीं जा सकता। तो जब हम दावत की बात करते हैं तो पहली चीज होती है किसी के जहन में कोई बात डालना। इसके बारे में एक और इशारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, बहुत खूबसूरत बात है, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिया अर्रहमान बिलगैब, सूरह यासीन में। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिया करते थे बाजार में जाकर, खुलेआम कुरान की बात सुना रहे हैं, अक्सरियत मक्के वालों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लगता है कोई ऑडियंस ही नहीं है, कोई उनको ध्यान ही नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक बात बताई, बड़ी प्यारी बात बताई, आप सिर्फ उसी को खबरदार कर सकते हैं जो खुद इस याद दहानी के पीछे आए, मैंने तबा दिक्र, और फिर कहा वो खशिया रहमाना बिलगैब, ये हीरे वाले अल्फाज हैं, और जिसने रहमान का खौफ किया गैब में। गैब से 2 मुरादें हैं, 1 मुराद की अभी मैं बात करूंगा, यानी आपकी बात तो उसने सुन ली और वो चला गया, तो आपको लगा उसकी आपकी बात का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन आपकी आंखों से गैब होने के बाद रात को जब वो सोने लगा और कोई और उसको नहीं देख रहा था, तो उसके जहन में वो अच्छी बात थी जो आपने की थी। आपको नहीं मालूम आपकी बात का असर कब जाकर होगा, अभी होगा, 4 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, उसी रात होगा, आपको नहीं मालूम,
और आपको नहीं मालूम कि उस असर का आहिस्ता आहिस्ता जो जिस तरह बीज होता है ना उसको उगते उगते वक्त लगता है, इसी तरह जहन में ख्याल होता है उसको बढ़ते बढ़ते वक्त लगता है। अच्छी बात को भी दिल के अंदर अंदर तक जाने का और उसके बाद उसको बाहर इवेंचुअली निकलने का उसका एक प्रोसेस होता है। तो जब हमने किसी को इस्लाम की तरफ दावत देनी भी है, आपका कोई यूनिवर्सिटी में दोस्त है, आप चाहते हो कि वो भी अच्छा कुछ उसकी अपनी बुरी आदतें छोड़ दे, कोई अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ले, कुछ अच्छी बात सीख ले, आप चाहते हो कि वो शराब की तरफ ना जाए, ड्रग्स की तरफ ना जाए, आप चाहते हो कि वो खराब कंपनी को छोड़ दे, आप चाहते हो कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ये सारी आदतें जो है ना, ये सारी हरकतें जो है ये बाहर की है। कुरान जो तब्दीली ला रहा है ना, जिस रास्ते की तरफ अल्लाह दावत दे रहे हैं, वो असल में तब्दीली अंदर होती है, वो असल तब्दीली अंदर होती है। और हमें फिक्र होती है कि बाहर बाहर से सब तब्दीली आ जाए, खैर है, अच्छा चलो बाहर से तो ये ठीक कर रहा है ना, फिर इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी तसल्ली हो गई। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम इंसान, हर इंसान अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो, और वो जब तैयार होकर आएगा अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला ने कहा उस दिन किसी चीज़ का और फायदा नहीं होना, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुरान में रिकॉर्ड हैं। उस दिन कोई किसी चीज़ का, किसी औलाद का फायदा नहीं होना, किसी पैसे का फायदा नहीं होना, सिर्फ वही है जो अल्लाह ताला के सामने एक अच्छा दिल लेकर आए। असल मुकाबला, असल जंग दिल का है, असल जंग दिल की है। तो इसलिए मैंने जब किसी की तरफ किसी को दावत देनी है इस आयत की वजह से, तो मेरे रब ने कहा पहले तो मोहब्बत से देनी है, जैसे घर पे दावत दी जाती है। दूसरी बात ये समझना है कि ये एक रास्ता है, इसमें मैं किसी से तवक्को नहीं रख सकता कि वो फौरन उस नतीजे उस जगह पर पहुंच जाए, बाहर से भी अंदर से भी, जहां मैं पहुंचा हूं। लेकिन इसमें एक आखिरी बात, इस सब्जेक्ट के खत्म होने से पहले जो मैं आपके सामने रखूं, इसमें अल्लाह ताला कहा है कि दावत के तीन मुख्तलिफ तरीके हैं, बिल हिकमा वल मौइज़ातिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तीन मुख्तलिफ स्टाइल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं इस आयत में कि जब आपने अल्लाह की तरफ किसी को बुलाना है ना, तो ये तीन तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? हिकमत, अल हिकमा। हिकमा की अरबी में जरा डेफिनेशन हमारी हिकमत से, उर्दू वाली हिकमत से और है। हिकमत को अरबी में कहा जाता है अल इल्म नाफ़ वल अमल बिही, किसी के पास ऐसा इल्म हो जो उसको फायदा दे और वो उस पर अमल भी करे, तो ऐसे शख्स को कहते हैं इसमें हिकमत है। बहुत ही स्टूपिड सी मिसाल आप समझ लें ताकि बात समझ में आ जाए, अगर आग जली हुई है और कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि हाथ जल जाएगा, तो उसमें हिकमत है कि वो आग में हाथ नहीं डाल रहा, यानी आपके पास नॉलेज भी है कि आग खतरनाक है और आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, ये हिकमत है। कोई लड़का मेडिकल स्टूडेंट है, लंग स्पेशलिस्ट बनना चाह रहा है, लेकिन उसको स्मोकिंग एडिक्शन भी है, तो उसमें हिकमत नहीं है, क्योंकि आम दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा उसको पता है कि स्मोकिंग का क्या असर होता है उसकी लंग्स के ऊपर, लेकिन इल्म तो है मुफीद, लेकिन उस पर अमल करने की उसमें हिकमत नहीं है। आप समझ रहे हो बात? तो हिकमत होती है कि अगर एक तरफ तो इल्म भी अच्छा हो, लेकिन इतनी अकल भी हो इंसान में कि उस इल्म का फायदा उठाकर उसको अमल में भी ले आए। पहला तरीका अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ बुलाने का ये दिखाया है कि हिकमत से बुलाओ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे कोई अच्छी चीज सीखने को मिली, मैं अच्छी कोई चीज जानता हूं, लेकिन मैं उसको अप्लाई भी कर रहा हूं, तो जब मैं अप्लाई कर रहा होता हूं ना, तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरे अमल में हिकमत है, मेरे किरदार में हिकमत है, मेरे बोलने के तरीके में हिकमत है, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें हिकमत है। उसकी मैं एक अजीम आपको मिसाल देता हूं। एक आलिम है अमेरिका में, वो पहले ईसाई थे, फिर मुसलमान हुए, फिर जाके उन्होंने सऊदीया में, जॉर्डन में, सीरिया में और जगह कई मकामात पर जाकर उन्होंने तालीम हासिल की। जमाल ज़रबोज़ो उनका नाम है। वो अपने एक वाकया बताते हैं कि मुसलमान होने से पहले वो एक दुकान में गए, मुसलमान शॉप ओनर था अमेरिका में, जो वो तराजू होता है ना सब्जियां वगैरह बेचने वाला, उसमें स्टेट की तरफ से एक लॉ है, एक कानून है कि 5% अगर इधर उधर हो जाए तो खैर है, 5% से ज्यादा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं ना, तो मार्जिन ऑफ एरर 5% है, उसके अलावा अगर करोगे तो फिर इलीगल है, वरना इतना ही। तो उसने जब वहां पर जाकर अपनी ग्रोसरीज खरीदी, कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी, तो जो ओनर है उसने मजीद सब्जियां डाल दी खरीदने के, यानी जितने जितने के पैसे दिए थे उससे एक दो ज्यादा टमाटर डाल दिए अंदर। तो कहता है ये क्या कर रहे हो? कहता है स्टेट तो कहता है कि 5% मैं आपसे फायदा उठा लूं, लेकिन मेरा रब नहीं मानेगा। तो वो एक दो टमाटर एहतियातन और डाल देता है कि मेरा रब ना पूछ ले 5% मैंने हराम तो नहीं खा लिया।
वहां से इस इंसान को ये ख्याल आया क्या ये कौन सा ये तुम स्टेट नहीं मांगेगा स्टेट नहीं पूछेगा तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी टैक्सेस में बच जाओगे तुम्हें अपनी रब की क्या ये रब कौन है तुम्हारा कहता मैं मुसलमान हूँ मेरा रब अल्लाह है वो देखता रहता है कुरान ने कहा है ना कि وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک میزان بنایا ہر چیز کو آسمان میں سورج اور چاند کو بیلنس بنایا اور وہ اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر تم یاد رکھو کہ زمین میں بھی تم میزان میں کبھی ادھر ادھر کی پھیری پھیرا پھیری نہیں کرو گے یعنی انسان کو جو انصاف کا حکم دیا ہے انسان انصاف کا خطبہ دیا ہے قرآن نے قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو انصاف یاد آ جائے گا تو اس انسان دکاندار ہے اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا اس نے کوئی لمبی تقریر جو ہے دعوت اسلام کی دعوت دی اس نے بس ایک ترازو میں ایک ٹماٹر ڈال دیا اور اس ٹماٹر کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا آگے جا کے عالم بنا صرف اس کی وجہ سے وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بالحکمہ اس کے بعد ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ اور ایسی بات جو دل میں جا کر لگے اسے موعظہ کہتے ہیں عربی میں ایسی بات جو دل کو جا کر لگے دل کو اچھی لگے اور اس میں مزید اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ ایسی بات جو دل کو لگے اور خوبصورت بھی بات سننے کا دل چاہے بات سننے سے دل کھلے الموعظۃ الحسنہ موعظہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی مشکل کو سمجھ لو کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے آپ وہ اپنی بات بعد میں کرنا میں اپنی بات پہلے بتا دو تم یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اگر کسی کو واقعی موعظہ کرنا ہوتا ہے نا عربی کے قواعد کے مطابق اور قرآن کے قواعد کے مطابق پہلے آپ یہ تو سمجھ دو اس کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں سننے کا کم ہوتا ہے پہلے سن تو لو کیا کہنا چاہ رہے ہیں سن تو لو کہاں پہ تکلیف ہے سن تو لو کس چیز سے گزرا ہے اس کے بعد الموعظہ الحسنہ اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھگڑنے کا شوق ہوتا ہے ڈبیٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو جہاں موقع ملے جیسے تو کچھ لوگوں کو کھانے میں زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے ان کو بات چیت میں بھی زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے کسی دعوت میں بیٹھے ہوں گے تو بور ہو جائیں گے جب تک کسی سے کوئی پگا نہیں لیں گے تھوڑا سا نا تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو آپ کے گھروں میں ہوں گے آپ کی فیملیز میں ہوں گے آپ کے دوستوں میں ہوں گے خاص کر اسلام کے بارے میں یار یہ جو بات ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا اس کی کچھ تک نہیں بنتی اور اس نے وہی بات 10 سال سے وہ وہی بات کر رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس سے بڑے مزے کے بعد میں مسالے دار ڈبیٹ ہوتی ہے اس کو حل نہیں چاہیے اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بس آرگیومنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ آپ کو گھمائے جائیں گے آپ سمجھ رہے ہو اللہ کی بات کر رہے ہو اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجادل ہوں بالتی ہی احسن ان کو جواب تو دیا کرو لیکن زیادہ خوبصورت طریقے سے یعنی ان کے ٹریپ میں نہ پھنسا کرو سمجھ جایا کرو کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کا جواب زیادہ خوبصورت زیادہ عقل مند طریقے سے دیا کرو وجادل ہوں بالتی ہی احسن اب آخری اس آیت کا حصہ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بہت ہی عظیم الفاظ ہیں اور بہت آسانی سے انسان ان کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو اللہ کی طرف پکار بھی رہا ہوتا ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں وہی اصل میں جانتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتا میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے میری طرح سے اس کی عادتیں نہیں ہیں میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو جہاں تک میں سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے تو میرے نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف صاف تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر میں اپنے علم کی بنیاد پر حق کی تلاش میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں لیکن میری اس ہدایت جس ہدایت پر میں ہوں اس کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں کتنا قابل قبول ہے وہ میرا رب جانتا ہے میں نہیں جانتا میں جہاں تک میں بڑا عالم بھی بن جاؤں سپیکر بھی بن جاؤں میرے منہ پہ مائک لگا ہو سارے سن رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے میں ہدایت پر زیادہ ہوں آپ ہدایت پر کم ہو میرا رب ہی جانتا ہے ہدایت پہ زیادہ کون ہے اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو کوئی بدھسٹ بھی ہو کوئی ایتھیسٹ بھی ہو کہ اس کے دل میں جو ہدایت کا بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے جو بعد میں جا کے اگے گا اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا میں اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں باقی سب گمراہی پر ہیں
तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है खुद एतमादी है कि हिदायत पे मैं हूँ, बाकी सब गुमराही पर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं आखिर में आप भी हिदायत के तलबगार हो जैसे बाकी सब है। अगर कल तक या पिछले घंटे तक, पिछले 5 मिनट तक मैं हिदायत पर था, उसकी कोई गारंटी नहीं अभी मैं हिदायत पर हूँ। हमारे नबी से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालबा किया गया है कि कितनी दफा हर कुछ लम्हों बाद नमाज में खड़े होके एहदिनस्सिरातल मुस्तकीम हिदायत दीजिए। तलब उस चीज़ की जाती है, मांगी वो चीज़ जाती है जो आपकी मिल्कियत नहीं होती, उसको आप ओन नहीं कर सकते। तो जब हमें नमाज में सिखाया गया ना बार बार हिदायत मांगने का, इसका मतलब है हम में से कोई भी हिदायत का मालिक नहीं है। ये नहीं है कि एक दफ़ा हिदायत आ गई तो बस मेरी जेब में रखी हुई है, अब वो मेरी चीज़ है, अब बाकी बेचारे जो है सारे महरूम है, मैं उनको ला के दे दूँ। खतरनाक तरीन चीज ये होती है कि जो एक दफा हिदायत पर होता भी था वो अपने ऊपर इतना घमंड करने लगता है, इतना गुरूर करने लगता है कि मैं तो हिदायत पर हूँ, कि उसी की वजह से उसके दिल में से हिदायत निकल जाती है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको बाकी सबकी गुमराही नजर आ रही होती है, अपनी गुमराही से वो अंधा हो जाता है। जिस दीन ने हमें अपने बारे में सोचने की फिक्र दी पहले, मैं आईने में तो देखूं मैं कहां खड़ा हूं, अगर उस दीन के जरिए मैं बस बाकियों को तो देखता रहूं, बाकियों पे तबसरा करता रहूं, बाकियों पे मैं तंकीद करता रहूं, अपने आप से अंधा हो जाऊं, तो फिर यही सबसे सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह ताला हमें इस अजीम आयत की हिकमत को अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक दे, और हमारे घर वालों को, हमारे अहबाब को ऐसी हिकमतें जो है हम एक दूसरे से मोहब्बत से शेयर कर सकें, ताकि कुरान का नूर आपकी ज़िंदगी में भी आए, आपके ज़िंदगी के लोगों की ज़िंदगी में भी आए। बारकल्लाहु लि व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا.